बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे? स्टैंडर्ड सेकंड का हिंदी। हिंदी में भी क्या? स्वर। स्वर यानी अ आ ई ई इतने तक तो आपने सीखा है ना सबने बच्चों अच्छे से। तो आज हम पहले उसका रिवाइज करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि क्या सीखना है। हाँ बच्चों, उसके बाद क्या आता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले चलो हम लिखते हैं। सब आप अपनी बुक और पेंसिल लेके बैठे हो ना बच्चों, तो आप भी लिखना मेरे साथ, तो आपका भी डिवीजन कंप्लीट हो जाए। ओके, पहले क्या आएगा बच्चों? अ, अ से अनार। अनार या अजगर सांप होता है, इसको अनार को क्या बोलते हैं? पोमीग्रेनेट। ये क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और अजगर सांप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैथन। हाँ, वो सांप का नाम है, तो इसलिए अनार भी होता है, अजगर भी होता है किसी का नाम, जैसे अहमद, अनीस, वो नाम है ना, वो अ से स्टार्ट होते हैं। तो अ से ये बताने के लिए होता है कि अ से अनार होता है, वो फिक्स नहीं होता कि एक ही होता है, कोई भी आ जाए। अ से जिस नाम का व्यक्ति आए ना, उसको भी अ अ से स्वर उसका चालू होता है। फिर क्या आएगा दूसरा? आ से आम। हाँ बच्चों, आ से आम आएगा ना दूसरा। तो आम किस किस को पसंद है? आप सब लोग लिख रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। तो आ से आम, कैरी की सीजन आएगी ना अब। हाँ, तो आम खाना पसंद है ना आपको? वेरी गुड। तो आ से आएगा आम। और दूसरा क्या आएगा सोचो, आप रोज घर में इस्तेमाल करते हो उसका। हाँ सोचो सोचो, नहीं आता? हाँ, तो आ से आईना। आप रोज अंदर लगा के कंघी करते हो ना? हाँ, तो आ से आईना भी होता है। तो अ से अनार, आ से आम। अभी क्या आएगा दूसरा? छोटी ई से इमली। वेरी गुड। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी होती है। किस किस को पसंद है? हाँ, सबको पसंद होती है इमली, तो ई से इमली। और इसे क्या आएगा दूसरा सोचो, आपको मिस ने सिखाया था ना पहले। इसे हम जा सिटी में जाते, अहमदाबाद, मुंबई, कहीं भी जाते तो क्या देखते? बड़ी बड़ी इमारत देखते, वो बिल्डिंग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? इमारत बोलते हैं। तो इसे इमारत भी आएगा, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्डिंग बोलते हैं। हाँ, इसे इमारत। वेरी गुड। अभी इसे बड़ी, इसे बड़ी से क्या होगा? बड़ी से ईट होती है, ईट जो घर बना के लिए काम आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? इसे ईट। और इसे ईख। ईख यानी आपको पता है ईख किसको कहते हैं? शेरडी। शेरडी के जो आते हैं ना, शेरडी आती है ना, उसको ईख कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुगर कैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुगर कैन बोलते हैं। और ईट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं बेटा। हाँ, वेरी गुड। ब्रिक आपको आता है ना, इतने तब तो आपने पढ़ लिया है। अब आज हम लोग क्या सीखेंगे? इतने तक लिख लो बच्चों पहले आप। चलो बच्चों, इतने तक तो सबने लिख लिया, अब इसमें कौन सी मात्राएं लगती है वो सीखेंगे हम। ओके बच्चों, तो ऐसे क्या आएगा? हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग क्या लिखते हैं? क, अकेला लिखते हैं ना। क, ख, वो अकेला आएगा, उसके पास कुछ भी नहीं आएगा, वो वर्ड अकेला ही आएगा। उसको क्या बोलते हैं? अ की मात्रा बोलते हैं। अ की मात्रा बोलते हैं क, ख, ग, या ये सब आएगा ना पूरी लाइन में, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, वो अकेली मात्रा में क ही लिखा जाएगा, उसके पास लाइन कुछ नहीं होगा। और फिर आ की मात्रा में क्या आएगा? तो हम पहले क्या करेंगे? क करेंगे ना, तो उसके पास लाइन खींचेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आ की मात्रा बोलते हैं। क की का आ की मात्रा किसके पास? क के पास लाइन खींची हो उसको क्या बोलते हैं? आ की मात्रा। उसी तरह क्या लिखा?
वाली मात्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? की खी ह्रस्व वाली मात्रा, वो ई से आएगा ना तो वो की खी के में उसका प्रयोग होता है। जो चीज किनारा हो जैसे लिखना हो, खिड़की लिखनी हो वो लिखना हो ना, किरण जो सूरज से निकलती है ना वो किरण भी ई की मात्रा में आती है बच्चों। और ई से अभी ये ह्रस्व वाले हो गए ना, तो अभी क्या होगी की खी हो। जो थोड़े वर्ड्स होते हैं उसमें ये मात्राएं लगती है, थोड़े वर्ड्स में वो मात्राएं लगती है, सेमी वर्ड्स आते हैं खिड़की में वो मात्रा लगेगी। तो फिर जो दूसरा वर्ड्स होगा कीमत होगी, किसी पैसे की कीमत जांचनी हो तो उसमें की मात्रा ये लगती है। ओके बच्चों, तो आपने यहाँ तक तो सीख लिया, आप सब ने ये सब लिख दो, हाँ भाई बच्चों अपनी बुक में लिख दो ताकि आपको पता चल जाए। चलो बच्चों आप सब एक बार ये नोटबुक में लिख देना, आपका होमवर्क है ये आज का, फिर बाद में दूसरा नया वर्ड सिखाती हूँ आपको, पहले ये सब लिख लो, आपने लिख लिया होगा अब तक मेरा होमवर्क दे। चलो वाली
हम क्या सीखेंगे बच्चों? चलो बच्चों, अभी तक आपने यहाँ तक तो लिख लिया है, पर नोट टेक्स्ट बुक में भी है, नीचे लाइन दोरी हुई है, उसमें भी आपने कैसे अ आ ई लिखा था ना आगे, वैसे ऊ का भी लिखना है घर से। हाँ बच्चों, और नोटबुक में भी लिखना है ताकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। फिर ये मैं रफ कर देती हूँ, मेरी जगह थोड़ी कम पड़ रही है, फिर आप मेरे साथ लिखना सीखिए। हाँ बच्चों, ये क्या दिखा?
चलो मैं रफ कर देती हूँ, फिर बाद में। कर देना। थैंक यू बच्चों, कल दोबारा मिलेंगे।